Hello everyone, welcome to our YouTube channel Salt and Pepper, where we make veg recipes interesting. And if you're already a subscriber, welcome back. आज हम चिली गार्लिक पोटेटोज बनाने वाले हैं, तो आइए हम इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ मैंने गोल काटे हुए आलू लिए हैं। इन आलू को मैंने 8 से 10 मिनट तक बॉईल किया था। बॉईल करते टाइम मैंने थोड़ा उसमें सॉल्ट डाला था। बॉईल होने के बाद मैंने अपने आलू को अच्छे से सुखाया है और अब वो सूख गए हैं। उसके बाद मैंने उन्हें फ्राई करने डाला है। हम आलू को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक आलू क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। यहाँ मेरे आलू क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो उन्हें मैंने एक दूसरे डिश में निकाल दिया है। दूसरे साइड में मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। उस ऑयल में मैंने 3 टेबलस्पून फाइनली चॉप किया हुआ लहसुन डाला है। लहसुन को हम एक कच्चापन जाने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने 4 फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज ली है। ऑफ कोर्स ये चिली गार्लिक पोटैटो है, तो चिलीज की मात्रा तो ज्यादा ही होगी। अब हमने इसमें 1/4 कप फाइनली चॉप किए हुए गाजर लिए हैं और 1/4 कप स्प्रिंग अनियंस। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस ना हो तो आप रेगुलर अनियंस भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें हमारे स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन कलर का जो लीफ होता है वो लेंगे और 1 मीडियम साइज टमाटो। हम हमारे सब्जियों को एक स्टर देंगे और उसमें हम नमक स्वाद अनुसार लेंगे। अब टाइम है इसमें हमारे सॉसेस डालने का। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस लिया है। अब मैंने उसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाला है और लास्ट में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। हमने हमारे सॉसेस को हमारे वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है और कॉर्नस्टार्च में थोड़ा सा पानी डाला है जब तक हमारा कॉर्नस्टार्च उसमें डिसॉल्व हो जाए। और अब मैंने इस लिक्विड को हमारे सब्जियों के साथ मिक्स किया है। यहाँ मैंने थोड़ा एडिशनल पानी भी डाला है, तो हम इन्हें अच्छे से हमारी सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत थिक और यमी बने। इफ यू लाइक द वीडियो सो फार, मेक श्योर टू टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी कम ऑनलाइन। तो यहाँ मैंने अपनी ग्रेवी को थोड़ा सा बॉईल आने दिया है और अब मैं इसमें हमारे पोटैटोस डालूंगी जो हमने पहले फ्राई किए थे। पोटैटोस में मैंने थोड़े से होल पंक्चर किए थे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से हमारे पोटैटोस में अब्सॉर्ब हो जाए। 2 से 3 मिनट तक अब मैं हमारी ग्रेवी और पोटैटोस को साथ में कुक होने दूंगी। हमारे पोटैटोस के कलर बहुत ही अच्छे और यमी आए हैं। ये बनाने के लिए भी डिश बहुत ईजी है एंड इट्स अ परफेक्ट स्टार्टर्स फॉर योर पार्टीज। तो अब हम हमारी डिश को सर्व करेंगे। हमने एक डिश में पोटैटोस लिए हैं। पोटैटोस के ऊपर मैंने जो ग्रेवी हमने पोटैटोस के साथ बनाई है वो ली है और सिमिलरली मैं एक और एक लेयर ऐसा ही बनाऊंगी ताकि हमारी ग्रेवी और पोटैटोस अच्छे से मिक्स हो जाए। नाउ इट्स टाइम टू गार्निश आवर पोटैटोस। और गार्निशिंग के लिए मैंने ग्रेटेड चीज लिया है। जब ये गर्म है पोटैटो की डिश तो चीज इस पर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और वो बहुत अच्छा लगेगा। और चीज के साथ साथ मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन्स भी लिए हैं। तो दैट्स ऑल, यही गो, हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। बहुत क्विक, इजी और यमी स्टार्टर है। डू मेंशन इट इन द कमेंट्स ये कैसा लगा। थैंक यू।